क्लास नाइन एक्सरसाइज टू बी क्वेश्चन नंबर 11, इसका सेकंड पार्ट आप देखिए। फर्स्ट पार्ट पहले आप कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट में है पी एक्स इक्वल टू 4/3 प्लस 3/5 एक्स माइनस 5x² प्लस 1/2x³ प्लस x^5। एंड क्यू एक्स इक्वल टू x^4 माइनस x³ प्लस x² / 3 माइनस x प्लस 2/3। अब इसमें भी आपको उसी तरह से करना है जैसे आपने फर्स्ट पार्ट को किया था। अब यहाँ पर सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से लेस करना है। पी एक्स माइनस क्यू एक्स इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड वाले को घटाना है, तो फर्स्ट वाला पहले रखेंगे। पी एक्स इक्वल टू ये है, क्यू एक्स इक्वल टू ये है, पी एक्स की जगह में पी एक्स का मान रख दीजिए 4/3 प्लस 3/5 एक्स माइनस 5x² प्लस 1/2x³ प्लस x^5 माइनस x^4 माइनस x³ प्लस x² / 3 माइनस x प्लस 2/3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इसलिए ब्रैकेट हटने पर इसके अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। 4/3 प्लस 3/5 इंटू एक्स माइनस 5x² प्लस x³/2 प्लस x^5 माइनस x^4 प्लस x³ माइनस x² / 3। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज कर रहे हैं। प्लस के स्थान माइनस के स्थान पर प्लस हो जाएगा, प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा। प्लस x माइनस 2/3। अब लाइक टर्म्स का ग्रुप बनाइए, बड़ी पावर से स्टार्टिंग करेंगे। x^5 ये सबसे बड़ी पावर है, फिर इससे छोटी पावर है x^4, फिर इससे छोटी पावर आ जाएंगे क्यूब x³/2 प्लस x³, ये आ गया। फिर स्क्वायर वाले पद लाएंगे, स्क्वायर वाले में एक ये है और एक ये माइनस 5x² माइनस x² / 3। फिर x वाला आ जाएगा प्लस 3x / 5
फाइव प्लस एक्स बाई एक्स माइनस प्लस फोर अपॉन थ्री माइनस टू अपॉन थ्री। अब आप यहाँ ये देख लीजिए कि कोई टर्म्स आपका छूटा तो नहीं है, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ कितने टोटल टर्म्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। यहाँ पर आप देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल टर्म्स नीचे आ गए। एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स की पावर फोर। अब यहाँ देखिए ये लाइक टर्म्स प्लस प्लस है, ऐड हो जाएगा, प्लस एलसीएम हो गया इसका टू, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा फाइव एक्स, इसके अपॉन में वन कर दीजिए तो ये हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा थ्री, और यहाँ पर आपका आ जाएगा फिफ्टीन एक्स। और चूँकि देखो ब्रैकेट के बाद माइनस हमने लिखा है तो ये साइन अंदर जाने पे चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसके अपॉन में वन कर लिया, एलसीएम हो गया फाइव, थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस इसमें ये लेस हो जाएगा टू बाई थ्री बचेगा। एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स की पावर फोर प्लस ये ऐड हो जाएगा थ्री बाई टू, एक्स क्यूब माइनस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर सिक्सटीन बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन फाइव एक्स प्लस टू बाई थ्री। ये डिफरेंस आ गया। डिग्री इक्वल टू, अब इसकी डिग्री आपको लिखनी है, तो इसमें x की सबसे बड़ी पावर 5 है तो इसकी डिग्री हो गई 5। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट यहाँ दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और क्यू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ कहा गया है इस सवाल में कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालिए और फिर इसके बाद
उसकी डिग्री भी बताना है आपको। आप लिखेंगे पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इंटू फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, आपने पिछली कक्षाओं में मल्टीप्लाई करना सीखा, उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। पहले क्या करेंगे आप, फर्स्ट टर्म से सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। फिर सेकंड वाले टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड टर्म में थ्री एक्स इंटू सेकेंड ब्रैकेट पूरा थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। फिर थर्ड वाले टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वन इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब आप इसका ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक टर्म्स में मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x की पावर 5 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस x की पावर 4, फिर इसका इसमें करेंगे प्लस 4x स्क्वायर प्लस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह से 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जो अंदर लिखा है वही आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब लाइक टर्म्स का ग्रुप बनाइए, पहले सबसे बड़ी पावर वाला टर्म्स लाएंगे, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4। पहले प्लस वाला लिखते हैं फिर माइनस वाला लिखेंगे, प्लस 3x की पावर 4 माइनस x की पावर 4। फिर पावर 3 वाला टर्म्स लाएंगे, प्लस x क्यूब माइनस 3x क्यूब। फिर स्क्वायर वाला लाएंगे, प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर एक्स वाला टर्म्स लाएंगे, प्लस 12x प्लस 4। अब इनमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको जोड़ेंगे, जैसे ये लाइक टर्म्स का ग्रुप है आपका, ये लाइक टर्म्स का ग्रुप है और ये लाइक टर्म्स का ग्रुप है, एक्स की पावर 5 इसमें ये लेस हो जाएगा, साइन अपोजिट होने पर लाइक टर्म्स में अगर अपोजिट साइन है तो लेस करेंगे, सेम साइन होने पर ऐड करेंगे, इसमें ये लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 2x की पावर 4, ये इसमें लेस होगा तो यहाँ पर बड़ी संख्या का साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2x क्यूब प्लस इसमें ये लेस हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। डिग्री इक्वल टू 5। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे।
13 फर्स्ट पार्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। आपको यहाँ पर निकालना है पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब इससे जो डिवाइड करना है तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1। अब ये कार्य कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, ऐसे फर्स्ट टर्म यहाँ एक्स क्यूब है, आप डिवाइड करना है एक्स से। जब इससे डिवाइड करोगे तो इसमें देखिए पावर नहीं लगी है, जिस वेरिएबल में पावर नहीं लगी होती है उसकी पावर एक होती है, तो इसकी पावर जो 1 है वो इसमें लेस हो जाएगी एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 2। इसकी पावर जो है वो इसमें कम हो गई, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। मतलब ये है कि इससे इसमें भाग दिया, भागफल इतना प्राप्त हुआ जिसकी क्रिया हमने करके दिखाई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, लाइन खींचेंगे। अब घटाना है इसमें, इसको घटाना है तो घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, इसमें पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, अगर टर्म्स के पहले कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव है तो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो माइनस लगा दिया, यहाँ पर माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये जो है इसको आप यहाँ नोट कर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इससे इसको डिवाइड करोगे माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स बचे, यहाँ दो में एक जाएगा एक बचेगा, जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर आ गया माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करके रखेंगे, माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स का प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 आ गया, साइन चेंज कर देंगे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक्स आएगा। अब यहाँ पर आ गया एक्स प्लस 1, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे प्लस 1 आ गया, जैसे एक्स में एक्स से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आया, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1, साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। हेंस पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड डिग्री इक्वल टू 2। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड पार्ट है उसको आप स्वयं घर पर करें।
क्वेश्चन नंबर 14, सपोज लेट पी शुड बी एडेड टू 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 टू गेट सम इक्वल टू 7x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है यहाँ लेट की जगह में What should be added to this to get sum equal to this? हिंदी में इसका तात्पर्य है इतना प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि इसमें अगर p ऐड कर दें तो इतना प्राप्त हो जाएगा। एट एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 प्लस पी इक्वल टू 7x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इसमें p ऐड करने पर इतना प्राप्त हो जाएगा। अब हमें p की वैल्यू निकालना है, मतलब इसमें क्या ऐड करेंगे कि इतना मिल जाए। तो हमने ये मान लिया कि इस पर p ऐड करने पर ये प्राप्त हो जाएगा। अब हमको p की वैल्यू निकालना है। तो p के अतिरिक्त जितना भी वैल्यू है उसको अब दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा p इक्वल टू 7x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस, अब ये जितना भी ब्रैकेट के अंदर है जो दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, हमने माइनस लगा दिया। अब ये पूरा नोट कर लेंगे यहाँ पर 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9, साइन चेंज कर लीजिए, पहले 7x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब आप देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 8x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 9। लाइक टर्म्स का ग्रुप बना दीजिए, 7x³ माइनस 8x, 8x³ प्लस x² प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 5x प्लस 4 प्लस 9। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8
यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 एट है, इसमें ये लेस हो जाएगा, माइनस का ये एक्स क्यूब बचे, ये ऐड हो जाएगा, ये लाइफ टर्म्स है, ये लाइफ टर्म्स है, ये लाइफ टर्म्स है, ये लाइफ टर्म्स है। लाइफ टर्म्स में अपोजिट साइन होने पर लेस करेंगे, सेम साइन होने पर ऐड करेंगे। यहाँ देखिए अपोजिट साइन है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसमें ये लेस हो गया, माइनस का बचा, ये और ये ऐड हो जाएगा, प्लस 4x² माइनस 8x प्लस 13 हेंस माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 8x प्लस 13 शुड बी एडेड टू एट एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 इसी प्रकार से है। Let should be subtracted subtracted from x² minus 3x³ प्लस 2x माइनस 4 टू गेट माइनस x² प्लस 3x³ माइनस 2x प्लस 4 यहाँ पर ये कहा गया है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, इतना प्राप्त करने के लिए इतने में क्या घटाना पड़ेगा। हमने पर ये मान लिया कि इसमें पी अगर लेस कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, मान लिया कि इसमें पी घटाने पर इतना प्राप्त हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग को आप लिख लीजिए x² माइनस 3x³ प्लस 2x माइनस 4 माइनस p
इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस फोर। ये माइनस पी, हमें पी की वैल्यू निकालना है तो पी माइनस का है इधर, इसको आप उधर ले जाइए और ये वाले सभी टर्म्स इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस फोर। अब पी आपका उधर चला जाएगा और ये सारे पद सभी टर्म्स इधर ले आए, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सॉरी माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू पी। लाइन टर्म्स का ग्रुप बना लीजिए, माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर माइनस फोर इक्वल टू पी। ये ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म्स का ग्रुप ये ऐड हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा प्लस फोर एक्स माइनस एट इक्वल टू पी। पी की वैल्यू हमें इतनी प्राप्त हुई, हेंस माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस फोर। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई, अगली एक्सरसाइज अगले दिन कराई जाएगी। धन्यवाद।